हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और एक पायलट जो न जाने ही कितने बार अमेज़न के जंगलों के ऊपर से गुजर चुका था, लेकिन जब एक बार इस पायलट को अमेज़न के जंगलों में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, इस जंगल ने पायलट की इतनी कठिन परीक्षा लिया कि उसकी सर्वाइवल की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। छत्तीस वर्षीय पायलट एंटोनियो सेना, वो अक्सर एलन क्वेल एयरपोर्ट से ब्राजील के एल्मेरियम सिटी जाया करते थे, जहां उनके कंपनी की इलीगल गोल्ड माइनिंग चलती थी। अब क्योंकि इन दोनों सिटी के बीच एक विशालकाय जंगल है, इसलिए सामान को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेसना जैसे छोटे प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। रोज की तरह 26 जनवरी को पायलट एंटोनियो ने कुछ जरूरी सामान प्लेन में लोड किया और एलन क्वेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गए। देखते ही देखते ये प्लेन विशाल घने अमेज़न के ऊपर से उड़ रहा था। प्लेन धीरे धीरे 3000 के एल्टीट्यूड पर आ गया। प्लेन अभी एल्टीट्यूड को गेन ही कर रहा था कि तभी अचानक से इसके इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई। ये प्लेन सेसना 210 मॉडल का था। इस प्लेन में सिर्फ एक ही इंजन लगा होता है। एंटोनियो सेना का प्लेन का इंजन अचानक से बंद पड़ गया। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इंजन था, इसलिए जल्द से जल्द एंटोनियो ने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर अफसोस ये इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब एंटोनियो को समझ में आ चुका था कि उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। अब एंटोनियो को प्लेन को ग्लाइड करते हुए सही जगह पर लैंड कराना था। ये प्लेन सिर्फ 3000 फीट के एल्टीट्यूड में था, इसलिए इसे नीचे आने में अधिक समय नहीं लगने वाला था। ऐसी कंडीशन में पायलट्स हमेशा पास के एयरपोर्ट का ही ख्याल आता है। अब क्योंकि ये प्लेन विशाल अमेज़न के बीच उड़ रहा था, वो भी सिर्फ 3000 फीट के एल्टीट्यूड में, इसलिए इसे ग्लाइड कराकर किसी भी एयरपोर्ट तक ले जाना पॉसिबल नहीं था। एंटोनियो या तो प्लेन को जंगल में क्रैश करा सकता था, या फिर इसे किसी नदी में क्रैश कराया जा सकता था। पर एक प्लेन को पानी में लैंड कराने के लिए नदी का बहाव भी सीधा होना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में ऐसी सीधी नदी मिल जाए, इसकी संभावना बेहद कम होती है। इतने देर में एंटोनियो सोच चुका था कि वो प्लेन को जंगल में ही कहीं क्रैश करा देगा। उन्होंने एक लोकेशन चूज किया और रेडियो में मेडे कॉल करते हुए एटीसी को बताया कि जल्द से जल्द इस लोकेशन में कोई रेस्क्यू टीम भेज दो, मेरा प्लेन जल्द ही क्रैश होने वाला है। अब एंटोनियो निकल पड़ा इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए। अब धीरे धीरे प्लेन नीचे आने लगा। लंबी लंबी पेड़ों के टहनियों को तोड़ते हुए ये प्लेन आगे बढ़ रहा था। महज कुछ ही सेकेंड्स में ये प्लेन पेड़ों के टहनियों को तोड़ते हुए धरती से जा टकराया। इतने सारे कोलिजन के बाद प्लेन के कई टुकड़े हो चुके थे। इस लैंडिंग का इम्पैक्ट इतना अधिक था कि एंटोनियो प्लेन को संभालते संभालते ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को कॉकपिट में फंसा हुआ पाया। कॉकपिट के चारों ओर बस धुआं ही धुआं था। कॉकपिट के ढेर सारे टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट्स उसके सामने बिखरे पड़े हुए थे। एंटोनियो जल्द से जल्द कॉकपिट से बाहर निकला। बाहर आकर वो थोड़ी देर जायजा लिया। प्लेन में आग तो नहीं लगी थी, पर कई जगहों से धुआं निकल रहा था। हर प्लेन में ऐसे इमरजेंसी केस में बहुत सारा सामान पड़ा होता है। वो तुरंत ही प्लेन के अंदर गया और सारे जरूरत के सामान को बाहर निकाल लिया, इससे पहले कि प्लेन आग के लपटों में गिर जाए। अब एंटोनियो वहीं पर बैठकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अमेज़न के जंगलों के ऊपर उड़ने लगे, लेकिन ये जंगल इतना घना था कि रेस्क्यू टीम को क्रैश लोकेशन भी ठीक से नहीं दिख पा रहा था। वहीं दूसरी ओर जब एंटोनियो को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दिया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो हर मुमकिन कोशिश करने लगा कि उसे रेस्क्यू टीम देख ले, लेकिन घने जंगल की वजह से रेस्क्यू टीम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हेलीकॉप्टर आते और चले जाते, इसी तरह से एक दिन बीत गया। एंटोनियो के पास प्लेन से निकाला हुआ कुछ खाना पड़ा हुआ था। वो थोड़ा खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस घने जंगल में नींद कहाँ आने वाली थी। जंगली जानवरों की आवाजें उसे सोने नहीं दे रहा था। कभी वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों के टहनियों में चढ़ जाता, तो कभी पत्थरों के बीच छुप जाता। इसी तरह से ये रात भी गुजर गई। दूसरे दिन फिर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसे ढूंढते हुए आ गए, लेकिन इस बार भी हेलीकॉप्टर आए और चले गए। दोनों का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाया।
इसी तरह से 5 दिन गुजर गए। 5 दिनों के लगातार छानबीन के बाद भी रेस्क्यू टीम को एंटोनियो का कुछ भी पता नहीं चल पाया। फाइनली थक हार कर रेस्क्यू टीम ने भी ये मान लिया कि शायद उनकी मौत हो चुकी होगी। घटना के 6ठे दिन एंटोनियो इंतजार कर रहा था कि फिर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आएगा, पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आया। अब वो भी समझ चुका था कि मेरी खोज अब बंद कर दिया गया है, अब हाथ पर हाथ धरे रहने का वक्त नहीं था। अगर उसे इस जंगल से बाहर निकलना है तो उसे ही कुछ करना पड़ेगा। इन 5 दिनों में खाना भी खत्म हो चुका था। 6ठे दिन से ही एंटोनियो का रियल सफर शुरू हुआ। उसे अब खुद से खाना ढूंढना था, पीने के लिए पानी भी ढूंढना था, इसके अलावा जंगली जानवरों से भी खुद को बचाए रखना था। उसके पास एक बैग पड़ा हुआ था। वो अपने बैग की छानबीन करने लगा, इस उम्मीद से कि क्या इस बैग में ऐसा कोई सामान है जिसकी मदद से वो इस भयानक जंगल से बाहर निकल सके। तभी उसकी नजर मोबाइल फोन पर पड़ी। उसका फोन अब भी सही कंडीशन में था, कुछ % बैटरी भी बची हुई थी, लेकिन इस विशाल जंगल में इस फोन का कोई भी काम नहीं था, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर नेटवर्क तो आने वाला है नहीं। उसके फोन में भले ही नेटवर्क ना हो, लेकिन कंपास था, और ये कंपास एंटोनियो को दिशा बताने वाला था। एंटोनियो इतने सालों से इस जंगल के ऊपर से गुजर रहा था, इसलिए उसे पता था कि किस दिशा में जाने से जल्दी इस जंगल से बाहर निकल सकता है। उसके पास जंगल का नॉलेज था और दिशा पता लगाने के लिए कंपास। कुछ देर सोचने के बाद उसने डिसीजन लिया कि वो ईस्ट की तरफ जाएगा। एंटोनियो देर ना करते हुए अपने सफर पर निकल गया। इस सफर में उसे बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि खाने के लिए खाना नहीं था, इसलिए वो रास्ते में किसी पंछी का अंडा खा लेता, और पीने का पानी जंगलों में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। दिन बीतता गया। किसी तरह से थोड़ा बहुत खाना खाते खाते जंगली जानवरों से, जहरीले कीड़े मकोड़े से बचते हुए वो अपने सफर पर डटा रहा। इसी तरह से इस सफर में कई सप्ताह गुजर गया। एक दिन उसे इंसान की आवाज सुनाई दिया। एंटोनियो अब उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे एक फैमिली दिखा जो जंगल में फल तोड़ रहे थे। उस फैमिली ने तुरंत ही एंटोनियो का मदद किया, खाना खाने के लिए फल दिया। इसके बाद वो लोग एंटोनियो को अपने साथ ले गए। उन लोगों की मदद से फिर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, और इस तरह से एंटोनियो वापस से अपने घर लौट आया। एंटोनियो अमेज़न के विशालकाय जंगलों में 38 दिनों तक भटकता रहा। इस 38 दिनों में उसका वजन 25 किलो कम हो गया था। इस घटना के बाद वो उस इल्लीगल कंपनी के प्लेन को उड़ाना भी छोड़ दिया और छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप किया। एंटोनियो आज भी जिंदा है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसने अपने इंटरव्यू में भी कई बार कहा कि उन 38 दिनों के हर एक पल को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।